हेलो फैमिली, सुबह हो गई, हम आ गए अपने कबूतरों को खोलने। चलिए उनको खोल देते हैं। उनका पहले दाना पानी सब सेट कर देते हैं। दाना पानी तो हम लेके आए हैं, पानी बस उसका बदल देते हैं, काफ़ी गंदा हो गया है। आइए तो पहले उनका पानी बदल दे। सब सेट हो गया, बारी है खोलने की उनको। ये देखिए, ये हमारे पठान भाई साहब एकदम ऊपर चढ़े हुए हैं, मोगली वगैरह बगल में। इनको निकलने देते हैं। ये देखिए, इसका काफ़ी पेट झड़ रहा है, बस साफ हो जाए, सही हो जाए ये कैसे भी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं सुबह खोलूं और ये मरा हुआ ना मिले, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा था। इन खोला और देखा कि इसका सेहत थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए कितना इसने पॉटी किया है, देखिए इसको निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, खुद से दाना तो उठा रहा है लेकिन उतना ढंग से नहीं उठा रहा है। इन देखते हैं, भगवान करे बस हमारा ये फीमेल जो है वो ठीक हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो बस। काफ़ी तो ये इसने बीट देख रहे हैं आप, आधा टीना जितना बीट कर दिया, क्या पता क्या हुआ है इसको बेचारे को। आधा टीना जितना इसने बीट किया हुआ है पूरा एकदम रात भर में। चलिए कोई ना, उसको तो हम साफ कर देंगे फिर। अभी इसको खिला उला के बढ़िया से दवा वगैरह दे के अब फिर इसको बैठा देंगे अंदर। हम क्या करेंगे अभी, वो जो टीना है इसका जिसमें ये काफ़ी बीट कर रखा है इसने, इसको बढ़िया से निकाल के अभी इसको साफ कर देते। थोड़ा गंदगी में रहेगा तो और तबीयत खराब होगा। तो चलिए उसको निकाल के अच्छे से धो धा देते हैं और फिर उसको धूप में थोड़ा देर छोड़ देंगे। चलिए देखिए, इसके हमने अभी फाइनली सफाई करके इसको बाहर धो के रख दिया है। पूरा दर उखाड़ना पड़ा ये देखिए इसको निकालने के लिए। कोई ना, ये साफ हो गया है। अब इसको जब सूख जाएगा तो इसको वापस से सारा दर लगा के बैठा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आके ये बैठी है। बस हमारा उम्मीद है, हम लोग कर रहे हैं कि बस ये हमारा सिराजी जो है सही से हो जाए, बाकी तो भगवान की मर्जी। ये देखिए, हमने पूरे दर की सफाई अच्छे से कर दी। ये बीट का दाग रह गया है तो एक दिन इसे धोना पड़ेगा, जिससे ये बीट का दाग भी हट जाएगा। बाकी हमने सारा अच्छे से सफाई कर दिया, दर की भी लगभग सारे दर की सफाई कर दी। थोड़ा बहुत चेंज किया ऊपर नीचे हमने दर, ताकि सब कोई अच्छे से रह सके। ये ऊपर में हो जा रहा था तो पठान ऊपर चढ़ के किसी को रहने नहीं दे रहा था। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत चेंजेस हमने किया है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा। ये देखिए, सुल्तान और सुल्ताना ऊपर में अपना दर ले लिए वो लोग। चलिए कोई बात नहीं, किसी में भी वो लोग अंडे बच्चे करें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पठान दिक्कत कर रहा है सबको। बाकी मोगली तो वहाँ है, ठीक है, बगीरा हमारा यहाँ है। सुल्तान अच्छा, ये दोनों इधर है, वही बोलूँ ये दोनों किधर गए, ये दोनों इधर आके बैठे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। हमारा सुल्तान का बेबी वो रहा और हमारे ये दोनों बच्चे ये रहे। चलिए तो मिलते हैं फिर शाम में हम लोग। ये देखिए, हम ऊपर हैं तो रेड वाला हमको दिख नहीं रहा था, वो जो फीमेल सिराजी है। तो हम सोचे क्या हो गया, किधर घुस गया है, घुस के कहीं बच्चों पर तो नहीं बैठा हुआ है। तो देखे कि ये टीना में दुबक के बैठा था। आइए, टीना तो आपने देखा ही है, हमने थोड़ी देर पहले ही पूरे अच्छे से सफाई की है। ये देखिए, पठान जो है इसमें पूरा खेर वगैरह लेके जाके जमा कर रहा है। पठान को लग रहा है कि उसकी फीमेल अंडा देगी। कि फीमेल तो अंडा दे नहीं रहे, बेचारी की तबीयत बहुत डाउन हो गई है, बस ठीक हो जाए कैसे भी। इसीलिए पठान इतना देखिए सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो अंडे देने वाले होते हैं तो सेफ अपना बनाते हैं। देखिए अब क्या होता है। ये देखिए, दोपहर हो गया, दोपहर नहीं शाम हो गया, और मम्मी कबूतरों का दाना रेडी कर दी है। गेहूं, चना और रोटी मल दी है मम्मी, और इसको तो हमने दाना पानी करा दिया, दवा वगैरह दे दिया है। देखिए बस, हम भी चाह रहे जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, फिर से वापस से इसे हम अपने लॉफ्ट में वापस डाल दें सभी के साथ। तो आइए मिलते हैं ऊपर अपने लॉफ्ट में।
ये देखिए सभी लोग कैसे वेट कर रहे हैं दाना का। हमारा मिट्टू देखिए कहाँ चढ़ गया है ऊपर एकदम। आइए तो इनको दे देते हैं खाने के लिए। पठान हमारा आज अकेला महसूस अकेले बेचारा बैठा हुआ है। उसकी फीमेल तो हमने नीचे रख दिया है, कोई ना ठीक हो जाएगी तो वापस से ला के उसको रख देंगे। आ जाओ सब आ जाओ। ये लोग तो उतर गए खाने को, तुम लोग भी उतर जाओ जल्दी जल्दी। आ जाओ पठान खा लो तुम भी। मोगली बगीरा ऊपर है, सुल्तान सुल्ताना हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और मंका और रज्जो हमारे नीचे खा रहे हैं। सॉरी रज्जो बोल रहा हूँ। चलिए तो इनको खाने दीजिए। ये देखिए हमारे सभी कबूतरे कबूतर हमारे बाहर आए हुए हैं। हम खोले तो हमारे बच्चे भी यहाँ गेट पे आके खड़े थे तीनों। ये देखिए एक वहाँ जाके है कि यहाँ दाना चुन रहा है। ये देखिए उसने क्या उठाया है। ये हमारा सुल्तान का बेबी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जल्द ये लोग भी अपने से दाना लेने लगेंगे। इसका तो पूरा लगभग 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 पर वगैरह आ गया। वो थोड़ा सा भी बेचारा छोटा है एक दिन का। ये हमारा सुल्तान का बेबी अभी सबसे छोटा है। सबसे छोटा बेबी हमारा सुल्तान का। यहाँ पे सभी परिंदे हमारे खा रहे हैं। हमारा मिट्ठू वहाँ देखिए ऊपर में कोने पे ही है, अपना पंख खुजा रहा है। तीनों बच्चों की देखिए कैसे फीडिंग चल रही है। दोनों के पिताजी उसको अच्छे से खिला रहे हैं। इधर हमारा सुल्तान खिला रहा अपने बेबी को और वहाँ पे भी मंका खिला रहा था अपने दोनों बेबी को। ये देखिए